स्टडी चैनल को। हेलो इंडिया। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल। हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। नाउ वाईफाई स्टडी हैज बिकम द पार्ट ऑफ अन एकेडमी। सफलता का एक और मंत्र क्या? क्रोध मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप में समाप्त होता है। मूर्खता मतलब हम कई बार किसी से नाराज जाते हैं, बेवजह नाराज जाते हैं, कई बार गलती होती तो भी नाराज जाते हैं, वो मूर्खता ही होती है। गलती में अगर नाराज होंगे तो ज्यादा होता कुछ नहीं है ना, कुछ असर होता नहीं है। और पश्चाताप में समाप्त होता है, कई बार बेवजह हम किसी पर गुस्सा हो जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता कि यार नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा ना। तो क्रोध मूर्खता से प्रारंभ और पश्चाताप में समाप्त होता है। एक, अगर मान लीजिए किसी से गलती हो भी गई ना, फिर भी माफ कर देना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। इस कारण से झुकना है, ठीक है। चलिए, संदीप सर का जीके खजाना भूल ना जाना आना। डेली रात को 12 बजे क्लास होती है। डेली मतलब डेली 12 बजे मतलब 12 बजे, कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी मतलब कोई छुट्टी नहीं, लगातार क्लास होती चल रही है। क्लास की नंबरिंग आप देख रहे होंगे, ऊपर लिखा रहता है कौन से क्लास की नंबर है और कितनी हो गई, बार चेक करके बता दीजिएगा लास्ट में। कल वाली क्लास देख के एक बार मुझे बता दीजिएगा कि कौन से नंबर क्लास कल थी। 74 एक बार चेक कर लीजिएगा। 74 हमारे एडिटर से बता रहे हैं विक्की कुमार जी, 74 एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नॉन स्टॉप क्लासेस चल रहे हैं। चलिए तो आते हैं किस सीजन की क्लास है। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है, स्पेशल अनाउंसमेंट है। कल रात को 8 बजे आना मत भूलिएगा, मंडे को 8 बजे रात को आना मत भूलिएगा। बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहा हूं, और बहुत बड़ा सरप्राइज क्या है कि कल मैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। मुझे लगता है एक क्लास में हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो दो क्लास में करा दूंगा, शानदार तरीके से कराऊंगा। फिर से, कल रात को 8 बजे आना मत भूलिएगा, बहुत बड़ा सरप्राइज है। इतना शानदार तरीके से क्वेश्चन करा दूंगा कि दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन तरीके से जाएंगे। उसके बाद फिर एक चीज बता दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ दे दूंगा, काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको समझना है वो कल रात को 8 बजे आ जाएगा, क्लियर। चलिए, बाकी एक क्लास होती है मेरी 12 एम में, ये वाली क्लास, दोनों क्लास देखना है। 8 बजे वाली क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, और मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, कई बच्चों को असमंजस था, बड़े प्रॉब्लम में थे कि सर 8 बजे वाली क्लास सैटरडे संडे नहीं होती क्या। हाँ, नहीं होती है, कई बच्चे वेट कर रहे थे, उनसे सॉरी बोलता हूँ, शायद बताना भूल गया हूँगा। 8 बजे वाली क्लास सैटरडे संडे नहीं होती है, 12 बजे वाली क्लास डेली होती है, ये वाली क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है। तो कल आना मत भूलिएगा, कितने टाइम, 8 बजे रात को मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। कल कराऊंगा फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज की सारी बातें। चलिए आगे चलते हैं, और सबसे पहले हमारा क्या है, वीडियो लाइक करना। वीडियो लाइक करते हैं उसके लिए धन्यवाद। वीडियो हर बच्चा जब भी आता ना, सबसे फर्स्ट काम होना चाहिए वीडियो लाइक करेगा, क्योंकि अब वो वाली बात तो है नहीं कि वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, वीडियो तो पसंद आ ही रहा है ना। अगर वीडियो पसंद ना आता तो 1-1 लाख व्यूज डेली नहीं आते ना उसमें। ये सिर्फ आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत देते चलिएगा, इतना शानदार क्लास कर देंगे अपन, और नई सीरीज लेकर आऊंगा। बस सपोर्ट करते चलो, जो आप बोलोगे वो करने को रेडी हूं मैं, आप सपोर्ट करते चलिए, मैं वीडियो लाकर देता चलूंगा। ऐसा कर देंगे कि आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दिया करिए, बच्चे करते हैं फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि यार मेरी मेहनत की कदर कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा क्या है, विश्व की प्रमुख जल संधियां, मेजर स्टेट ऑफ वर्ल्ड, प्रमुख जल संधियां वाटर स्टेट होती है। वाटर स्टेट में कौन कौन सी वाटर स्टेट है, हमेशा सवाल आता है, तो कर लेते हैं। चलिए सर स्विच कीजिएगा। चलिए तो देखिए, सबसे पहले वाटर स्टेट कौन सी आती है आपकी, मैगलन वाटर स्टेट। कौन सी, मैगलन जल संधि आती है कहां पर भाई साहब, चिली में है, क्लियर ना। मैगलन जल संधि कहां पर, चिली में है, ये आपका प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर के उसमें है, ठीक है ना। मतलब पैसिफिक ओशियन जो है और जो साउथ अटलांटिक ओशियन है ना,
एक चीज याद रखना, ये है मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ अमेरिका मान लेते हैं, ये साउथ अमेरिका मान लेते हैं, सिर्फ रफ बना रहा हूं। तो यहां पर है आपका पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, और यहां पर अटलांटिक ओशियन मतलब आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो इनको जोड़ दी कौन सी आपकी मैगलन जल संधि, मैगलन साइंटिस्ट थे उनके नाम पे इसका नाम मैगलन किया गया है। अगली आती है पाक जल संधि, पाक वाटर स्टेट, ये इंडिया श्रीलंका के बीच में है, आके मन्नार की खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार बे ऑफ मन्नार और बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में, आसान है सिंपल है। ये देखिएगा ये आपका पाक वाटर स्टेट है, देखिए पाक वाटर स्टेट दिखाई दे रही है आपको, है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। चलिए वीडियो में लास्ट तक मैं रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, लास्ट पीडीएफ वगैरह की वीडियो बीच में छोड़ना नहीं, पूरा लास्ट तक आए वीडियो पूरा का पूरा वीडियो देखो, बस एक बार मुझे भरोसा कीजिए मेरे ऊपर, जिस दिन 100-200 इसकी क्लास हो जाएंगी ना उसके बाद आप बताइएगा कि कितना मजा आया आपको, ठीक है। चलिए सुशीमा, मजे का मतलब सिलेक्शन से है, ठीक है ना। सुशीमा, सुशीमा आपका जापान सागर और पूर्वी चाइना सागर, जो जापान सी है और जो ईस्ट चाइना सी है उसके बीच में है, और कंट्री कौन सी इसकी, जापान है, आसान है सिंपल है। नेक्स्ट आता है बाब अलमांडेव जलसंधि, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बाब अलमांडेव जलसंधि है यह आपका लाल सागर और अरब सागर के बीच में है। यहां पर एक काम करता हूं, थोड़ा सा एक पेज क्रिएट करके आपको मैं समझा देता हूं, यहां पर एक पेज क्रिएट कर दूंगा और देखिएगा ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूं, देखिए। चलिए ये है आपका फॉर एग्जाम्पल, रफ मैप बना रहा हूं, ये आपका अफ्रीका, बिल्कुल रफ बना रहा हूं, इस बिल्कुल टेक्निकल मत जाना, है ना। ये एक वाटर पानी, ये है वाटर बॉडी, एक वाटर बॉडी ये है, और ऐसा कुछ एक कहानी है। ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ये है आपका रेड सी, लाल सागर, बिल्कुल रफ बनाया, ज्यादा टेक्निकल मत जाना। और ये है आपका क्या, आपका बाब अलमांडेव जल संधि, ये है आपका बाब अलमांडेव वाटर स्टेट। एक दिन क्या करूंगा, अभी बस स्टार्टिंग की क्लास है, अभी स्टार्टिंग क्लास जब चलती चलेगी आगे होती चलेगी क्लास, तो आने वाले समय में और चीजें पढ़ाने वाला हूं आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक कराता चलूंगा, स्पेशल टॉपिक कराता चलूंगा, चिंता नहीं करना, है ना। बस क्लास है 100 क्लास जिस दिन हो जाने दीजिए, बहुत बड़े बड़े सरप्राइज क्लास में आपके लिए आएंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट चलते हैं आप, ये देखिए साहब अगला आता है कौन सा का, बॉस जल संधि, या आपका तस्मान सागर और दक्षिण सागर में, ऑस्ट्रेलिया में जो बॉस जल संधि है तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेरिंग, ये आपका बेरिंग जो है आपका बेरिंग सागर और जो चुकची सागर है इसके बीच में, अलास्का रसिया, नॉर्थ अमेरिका के जो नॉर्थ में अलास्का है और जो रसिया मतलब रूस है वहां पर स्थित है बेरिंग जल संधि, बेरिंग वाटर स्टेट। चलिए अच्छा कमेंट्स वाला यहां पे था, चलिए कमेंट्स लगाइए सर। अच्छा ये देखिए साहब कमेंट्स आ रहा है, एक कमेंट आपके स्क्रीन में आ चुका है, इसको पढ़िएगा। ये है आपका किसका, आकाश अक्कू क्रिएशन। अच्छा ये आकाश ने कल बहुत ही शानदार फोटो बना के मुझे भेजी थी, मेरा स्केच, मेरी एक फोटो थी, इन्होंने फेसबुक से निकाला होगा और बहुत ही शानदार स्केच बना के भेजा था, मुझे बहुत पसंद आया। और अभी 5 सितंबर को टीचर्स डे है, मुझे लगता है इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है, मतलब इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका। मैंने आप देख लीजिएगा, मैंने फेसबुक में डाला था पोस्ट, आप लोगों ने देखा भी होगा, मुझे बहुत पसंद आई फोटो और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप इतनी मेहनत करते हैं और आपने मेरे लिए समय निकाला, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और इस मुझे लगता है सर 5 सितंबर टीचर्स डे है, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि कई लोग मैंने बहुत देखा है स्वीट्स लेके आते हैं, देखिए ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें होती है पूरी जिंदगी है। और ये फोटो मैं बताता हूं आपको, मैं अभी कुछ दिन बाद इसको फोटो को फ्रेम में बना के अपने रूम में टांगूंगा और उसकी फोटो शेयर करूंगा आपको फेसबुक में, क्योंकि मेरे दिल के बहुत नजदीक है। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट टाइम लगाइए सर, एक कमेंट ये है आपका, बहुत ही प्यारा सा कमेंट है, कमेंट्स पढ़िएगा, अगर कमेंट से मोटिवेशन मिलता है आपको तो आप भी कमेंट किया करिए, आपके कमेंट्स को स्क्रीन में लगाऊंगा और अच्छा लगता है नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं, अगला आता है आपका डेविस जल संधि, डेविस वाटर स्टेट, ये आपका बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर में, बेफिन बे अटलांटिक ओशियन, ग्रीनलैंड कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट आएगा डेनमार्क, उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, जो आर्कटिक सागर है इसके बीच में, हर कंट्री कौन सा आपका, इंग्लैंड और फ्रांस है। नेक्स्ट आता है फ्लोरिडा, ये मेक्सिको की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच में आता है कंट्री का नाम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हडसन वाटर स्टेट, हडसन जल संधि, ये आपका हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है, है ना। कंट्री कौन सी इसकी, कनाडा इसकी कंट्री है। नेक्स्ट आएगा जिब्राल्टर जल संधि, मैं हमेशा बताता हूं इसके बारे में, जो जिब्राल्टर जल संधि है ये आपका पश्चिम में वेस्ट में स्थित अटलांटिक महासागर और ईस्ट में इसके भूमध्य महासागर, भूमध्य सागर बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो किसके बीच में, जिब्राल्टर वाटर स्टेट जो है आपका अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी के बीच में, क्लियर ना। कंट्री का नाम कौन सा, स्पेन में रखो। ये जो क्वेश्चन, ये जो लाइन है ना, ये यूपीएससी आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कोरिया, ये आपका जापान सागर और पूर्वी चाइना सी के बीच में, जापान कोरिया में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। चलिए हटाइए इसे सब कुछ, तो ये इंपॉर्टेंट वाटर स्टेट है, हमेशा क्वेश्चन यहां से आते हैं। मैं फिर से एक बार दिल में हाथ रख के बोलता हूं, देखो मैं उस टाइप का नहीं हूं ना कि मैं झूठ बोल दूं और झूठ बोल के चीजों करा दूं। और अच्छा एक काम करूंगा, कल मैं एक वीडियो देखा था, मैंने परसों एक वीडियो देखा था, उसमें
कुछ टीचर्स खड़ी थी, स्कूल का कहीं का वीडियो है, और छोटा सा ईंट बनाकर, छोटे 3-4-5 ईंट रख के बच्चों को कुदा रही थी। उससे मुझे फिलोसॉफी समझ में आई। एक्चुअली मैं फिलोसॉफी का स्टूडेंट हूँ, अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग में मुझे शौक था फिलोसॉफी पढ़ने का, दर्शन शास्त्र का, और मैंने इस कारण से आईएएस में मेंस में ऑप्शनल भी लिया है फिलोसॉफी। तो मैं हर चीज में फिलोसॉफी देखता हूँ, उसके पीछे के रीजन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो वो वीडियो जरूर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी, और उसकी कहानी बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा हूं उस वीडियो को देखकर, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए बस इतना कीजिएगा, भरोसा बनाकर रखिएगा। आप भरोसा करते हैं उसका रिजल्ट मैं दे रहा हूं, बस विश्वास करके रखो 12 बजे क्लास में। अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, सब कुछ अच्छा रहा, आप सपोर्ट करते रहना, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन इतना बोलूंगा कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, एनटीपीसी वाले एग्जाम के लिए और ग्रुप डी वाले एग्जाम के लिए, यूपीएसआई वाला एग्जाम हो चाहे बिहार एसआई का एग्जाम हो, हरियाणा डबल एससी का एग्जाम, चाहे कोई एग्जाम हो, ये क्लास फ्रूटफुल होगी। और देख लीजिएगा रिजल्ट आएगा तो सारे बच्चे इसके बाद बोलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। चले, कल मैंने 2 क्वेश्चन दिया था, 1 क्वेश्चन मैंने ये दिया था सूर्य मंदिर कहां पर है, ओडिशा में, सही बच्चों ने सही आंसर बताया था। अगला था कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी लाइन अलग करती है, रेडक्लिफ लाइन अलग करती है। चले नेक्स्ट आता है स्पेशल टॉपिक, 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। 1 क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो इंडिया सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता के साथ में बांग्लादेश के साथ में, और सबसे छोटी करता के साथ में अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। हमारे जितने भी पड़ोसी कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसमें सबसे कम एरिया किसका है, भूटान का है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां पे है आपका, तो ये आपका कोलकाता में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। अगला है कि मिट्टी के पानी के माध्यम से शीर्ष मिट्टी से अवभूमि तक खनिजों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। होता क्या है, सिंपल है, हमेशा बताया मैंने, मान लीजिए जमीन है, जमीन में बारिश पानी आया, पानी भर गया यहां पे, जब पानी भरता है तो पानी नीचे जाएगा, रिश्ते का पानी रिश्ता है ना, तो जब पानी नीचे जाता है तो नीचे जाते टाइम पे खनिजों को भी लेकर चला जाता है, मिट्टी के जो अच्छे खनिज पदार्थ उनको भी लेकर नीचे चला जाता है, इसको लीचिंग कहा जाता है। लीचिंग मतलब हिंदी में बोलते हैं निच्छालन, क्या बोलते हैं, निच्छालन कहते हैं। और ये खतरनाक होता है, क्यों भाई, मिट्टी में अच्छे खनिज तत्व थे, अब रिस के पानी अगर नीचे चला गया तो खनिज भी नीचे चला गया, तो मिट्टी कैसे हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी, मतलब नॉन फर्टाइल हो जाएगी, अच्छा नहीं होता है ये। जब मैं एक दिन, मैं याद कीजिए SSCGL वाली क्लास में आप लोगों को जब मैं कोपन क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने इसको बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया था, नहीं किसी ने देखा बता देना, क्लास करा देंगे वाली चेकर। ठीक है, चलिए अगला, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए चट्टानों को क्या बोलते हैं, मैग्मा। पृथ्वी की सतह के नीचे ये जमीन है, इसके नीचे जो पिघली चट्टाने होती हैं गरम गरम, बिल्कुल मतलब आइसक्रीम टाइप का ठंडी है, इसको बोलते हैं मैग्मा। जब ये बाहर आ जाता है इसको बोलते हैं क्या आपका, लावा। नीचे मैग्मा, बाहर लावा, अंतर कुछ नहीं है, सेम चीज है, बस अंदर है तो मैग्मा है और बाहर है तो लावा है। तेरा प्यार कुछ नहीं बस एक दिखावा है। चलिए अगला क्वेश्चन ऑफ द डे, तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये है कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित किसका रिजर्व है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है एक, और दूसरा भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए तो अब डेजर्ट ऑफ द डे आएगा, डेजर्ट में आज हम बात करेंगे 1948 की, तो 1948 के बारे में देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, सेशन जयपुर में हुआ था, और इसके चेयरमैन कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया जी थे एक। दूसरा, 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के एक बड़े हवेली बिरला हाउस के परिसर में गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी, और बाकी बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद मालूम है। आज ही मैं ट्विटर चला रहा था, ट्विटर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही शानदार शेयर किया था, और क्या शेयर किया था मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बड़ा करीब था आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बहुत मतलब PMO इंडिया है, अभी डाला था उन्हें कि जब आपसे बात करता हूं तो दो मोहन की तरफ मेरा ध्यान जाता है, दो मोहन की तरफ मेरा ध्यान जाता है, एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन और दूसरे चरखाधारी मोहन। बहुत बड़ी बात है, मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब मैं बात करता हूं तो दो मोहन, एक मोहन हो गए कौन से, चक्रधारी मोहन, मतलब आदरणीय बोलूंगा भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, और दूसरा चरखाधारी मोहन, मतलब बापू की बात कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए ना। चले नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1948 में हुआ था, बहुत बड़ी बात है। और अगला है कि 1948 में जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की स्थापना हुई थी, ये कमेंट स्क्रीन में लगा दीजिएगा, एक मिनट, आई वॉन्ट कि ये कमेंट स्क्रीन में आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात है तो एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये मैंने क्रॉप करके और विद इन सेकेंड्स आपको भेज देता हूँ। चलिए बस 2 सेकंड रुक जाओ, तब तक और बताओ क्या चल रहा है देश में, दिल्ली में क्या चल रहा है, लूटना मनाना चलते रहता है, ज़्यादा लूट मत लिया करो। चलिए ये लास्ट में लगाइएगा, मैंने आपको भेज दिया, सेट कर लीजिए। चलिए अब आएगा डे ऑफ द डे, मैं देखते हैं भाई साहब आज
देखिए 1819 में आज ही के दिन स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वॉट का निधन हुआ था आज के दिन, इंजन वॉट है ना, याद है ना। चले नेक्स्ट 1867 में भौतिकी विज्ञानी और रसायन शास्त्री माइकल फराडे का भी निधन आज के दिन ही हुआ था 1867 में। तो माइकल फराडे और जेम्स वॉट का निधन आज एक्सपायर हुए थे दोनों के दोनों आज। अगला है कि चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का निधन भी आज ही हुआ था। भाई साहब खतरनाक डेट है, कौन सी डेट है जी, बड़ी डेंजरस डेट है, सारे के सारे आज एक्सपायर हो गए है ना, आज एक्सपायर हुए थे। नेक्स्ट है कि भारत पोलो विश्व विजेता 1975 में बना था, इंडिया जो है पोलो विश्व विजेता 1975 में बना था। चले ये थी भाई साहब आपकी क्लास, लगाइए सर कमेंट स्क्रीन में, ये देखिएगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आपका जो कमेंट है आपके स्क्रीन में आ रहा है, और ये देखिए क्या लिखा है उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्या लिखते हैं नीचे, दो फोटोज हैं आपकी, पीएमओ इंडिया ने ट्वीट किया था कि आपसे बात कर रहा हूं तो दो मोहन की तरफ मेरा ध्यान जाता है, एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन और दूसरे चरखाधारी मोहन। सुदर्शन चक्रधारी मोहन मतलब भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत भक्त टाइप के हैं, उपवास रहते हैं, बहुत बड़ी बात है, और दूसरा चरखाधारी मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यू कैन लव गांधी, यू कैन हेट गांधी, बट यू कैन नॉट इग्नोर गांधी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, बिना लाइक करे जाना नहीं है, ठीक है ना, और वीडियो शेयर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या जो बताने वाला था कि कल रात को 8 बजे आना मत भूलिएगा, क्योंकि कल मैं फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज की खटिया खड़े करने वाला हूँ, ऐसा ठीक रहेगा नहीं, गलत स्टेटमेंट है, अच्छा नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से करने वाले हैं अपन, ठीक है, अच्छे से बातें करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, क्यों निगेटिव बातें करना है। चले धांसू तरीके से पढ़ाएंगे, हाँ धांसू तरीके से पढ़ाएंगे, अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कल रात 8 बजे आना मत भूलिएगा। और पीडीएफ आपको मिल रही है ऐप में, डेली ऐप मिलती है, ना मिला कहे तो राजन सर का नाम लिख दिया करो, राजन सर ने पीडीएफ नहीं डाली है, ठीक है, जब भी पीडीएफ ना मिले कुछ मत करो, नीचे कमेंट्स कर दो कि राजन सर पीडीएफ डाल दो, वो डाल देंगे। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।